Hello, Sat Sri Akaal, Adab, Namaste. Welcome to my channel, English Information. Today, I would like to tell you 17 smart ways to say goodbye in English. यानी कि मैं आज आपको एक amazing new way बताऊंगा कि किस तरीके से आप English में जो आप bye का use करते हो, किन लोगों से आप bye का use करोगे, किन लोगों से आप goodbye का use करोगे, उसकी पूरी proper condition बताता हूँ. चलिए शुरू करते हैं. First point is bye. This is a standard goodbye. ये एक स्टैंडर्ड गुड बाय है और एक शॉर्ट सा सिंपल सा है. और हाँ, आप इसको किसी से भी यूज़ करके बोल सकते हो, चाहे वो आपका फ्रेंड हो, चाहे फैमिली हो, कोवर्कर हो, बिजनेस पार्टनर हो या कोई भी हो, आप नॉर्मल सा उसको बाय बोल सकते हो. सेकंड पॉइंट है बाय बाय. ये एक स्वीट सा और एक बेबी एक्सप्रेशन है जिसका यूज़ आप बच्चों के साथ कर सकते हो बोलने के लिए. और हाँ, एडल्ट्स भी इसका यूज़ करते हैं बाय बाय का एक दूसरे से आपस में बोलने के लिए. लेकिन इसमें एक कंडीशन होती है, आप सामने वाले पार्टनर को या सामने वाले पर्सन को अच्छी तरीके से जानते हो तभी आप बाय बाय का यूज़ कर सकते हो. फिर इसके बाद थर्ड पॉइंट पे बढ़ते हैं. थर्ड पॉइंट है सी यू सून और टॉक टू यू लेटर, या जिसको सी यू सून और हम शॉर्ट में सी या बोलते हैं. इसका यूज़ भी हम कर सकते हैं अपने कोवर्कर से लेके फ्रेंड्स तक का इसका यूज़ कर सकते हैं. और ये जो बाय का एक लिटिल शॉर्ट होता है, उसी तरीके से इसमें ये चीज़ याद रखिएगा, इसमें जो बाय है उसमें वहाँ पे सी का यूज़ हो रहा है और जो या है एक्चुअल में वो यू है. तो सी यू यानी कि बाय यू का यहाँ पे शॉर्ट वर्जन है सी या. फिर इसके बाद फोर्थ नंबर पे आते हैं आई हैव गॉट टू गेट गोइंग या फिर आई मस्ट बी गोइंग. इसका यूज़ आप करोगे, ये एक बहुत ही अच्छा एक्सप्रेशन है जब आप रेडी हो कहीं पर एक सोशल गैदरिंग में निकलने के लिए. यानी कि आप कहीं एक सोशल गैदर कर रहे हो, आप मीटिंग कर रहे हो, आपको वहाँ से जाना है, तो आप यहाँ पे बोल सकते हो आई हैव गेट टू गेट गोइंग. यानी कि आप जो सोशल में लोग हैं उनको ये बताना चाहते हो कि अब आप जाने वाले हो, मतलब उनका अटेंशन आप अपनी तरफ चाहते हो, तब हम इसका यूज़ करेंगे. फिर बढ़ते हैं फिफ्थ नंबर पर जिसका यूज़ है टेक इट ईजी. ये एक बहुत ही कैजुअल वे है कहने के लिए, जैसे आप बोलते हैं हैव अ नाइस डे, टेक इट ईजी, तो एक बहुत ही कैजुअल सा वे है जिससे आप सामने वाले पर्सन को इनकरेज कर रहे हो कि ज़्यादा मतलब इतना मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, जो भी होगा सब अच्छा होगा, कीप इट अप, इस सेंस में. फिर आते हैं सिक्स नंबर आई एम ऑफ. अब इसका यूज़ हम करते हैं, ये एक इनफॉर्मल वे है सबसे पहले तो, यानी आप पीपल को, लोगों को ये जताना चाह रहे हो कि अब आप जाने वाले हो, यानी कि यू आर रेडी टू से गुड बाय, इसलिए इस फ्रेज का यूज़ करते हैं. सेवन नंबर अब आते हैं फॉर्मल एंड बिजनेस गुड बाय इन इंग्लिश. यानी ये कुछ फॉर्मल और बिजनेस गुड बायस हैं जो कि इंग्लिश में यूज़ होते हैं, जिसमें सेवन नंबर है गुड बाय. गुड बाय एक ऐसा वर्ड है जो बहुत ही रेयरली यूज़ होता है और नॉर्मली हम लोग गुड बाय का यूज़ अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ कर लेते हैं, टीचर्स के साथ करते हैं, जो कि टोटली गलत है. क्योंकि इसका यूज़ हम लोग तब करते हैं जब उस पर्सन से आप दोबारा कभी मिले ना, तब हम गुड बाय का यूज़ करते हैं. तो फिर अगर आप किसी से यूज़ करते हो गुड बाय का, तो सोच लीजिए आपको उस पर्सन से दोबारा मिलना नहीं है. फिर उसके बाद आते हैं एट नंबर पे हैव अ नाइस डे या फिर हैव अ गुड डे. इसका यूज़ करते हैं, ये एक बहुत ही पोलाइट वे है किसी से गुड बाय कहने के लिए, कि मतलब आप उसको बहुत अच्छे से नहीं जानते हो, आप किसी से फर्स्ट टाइम मिले, आप नहीं अच्छे से जानते हो, अब आपको वहाँ पे गुड डे बोलना है, तो आप हैव अ नाइस डे बोल सकते हो. फिर उसके बाद नाइन नंबर में आते हैं आई लुक फॉरवर्ड टू अवर नेक्स्ट मीटिंग. यानी एक ये फॉर्मल एक्सप्रेशन है जिसमें मतलब आप, जैसे आपको कोई बिजनेस पार्टनर है और आप हमेशा उससे अपने पार्टनरशिप करते रहते हो या अपना वर्क करते रहते हो, तो यू वुड लाइक टू कंटिन्यू डूइंग बिजनेस विद समवन. यानी कि आप उससे चाहते हो आपका वर्क उससे और आगे भी पड़ेगा. अब इस कंडीशन में आप अगर उससे बोलना चाहते हो बाय, तो आई लुक फॉरवर्ड टू अवर नेक्स्ट मीटिंग. फिर टेन नंबर पे है अनटिल. अनटिल एक छोटा सा बहुत ही लेस कॉमन यूज है और यू माइट यूज़ इफ़ यू नो द नेक्स्ट टाइम. मतलब आपको पता है कि आप नेक्स्ट टाइम उससे मिलोगे या फिर यू आर गोइंग टू सी द पर्सन, नेक्स्ट टाइम पक्का उससे मिलने वाले हो, तो अनटिल का यूज़ करके हम बोल सकते हैं. जैसे आपने बोला कि फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू आर गोइंग टू सी दैट द पर्सन अगेन नेक्स्ट वीक, मतलब आपको पता है कि आप उस पर्सन से एक अगले हफ्ते मिलने वाले हो, तो आप बोल सकते हो अनटिल नेक्स्ट वीक, तो ये एक बाय का सेंस हो जाएगा. फिर उसके बाद आते हैं 11 नंबर पे है टेक केयर. टेक केयर यानी कि नॉर्मल साइज का जो हिंदी में मतलब होता है ख्याल रखना. टेक केयर कैन बी यूज इन प्रोफेशनल सिचुएशंस. ये प्रोफेशनल सिचुएशंस में ही इसका यूज़ किया जाता है. इसके अलावा आप कैजुअल वंस में भी इसका यूज़ कर सकते हो.
ये एक बहुत ही वार्म जेन्युइन साउंड होता है एक्सप्रेशन का। और एक चीज हमेशा याद रखिएगा, कीप इन माइंड दैट यू वुडेंट टाइपिकली यूज दिस एक्सप्रेशन विथ समवन यू सी एवरी डे। यानी ये टेक केयर आप लोग बहुत यूज करते हो, लेकिन आपको पता नहीं है कि जिस पर्सन से आप डेली मिलते हो, डेली इफ यू से टेक केयर एज यू से गुड बाय टू समवन, इट यूजली मीन्स यू आर नॉट गोइंग टू सी हिम ऑफ हर एटलीस्ट अ वीक और मोर। यानी अगर आप जिसे टेक केयर बोल देते हो, इसका मतलब आप इससे एक हफ्ते या मोर देन 1 वीक नहीं मिलने वाले हो। अब जैसे आप घर से आते हो और निकलते वक्त अपनी मम्मा से बोल देते हो, मम्मा बाय बाय टेक केयर। अब यहाँ पे टेक केयर का यूज़ गलत है, यहाँ पे टेक केयर का सेंस दे रहा है कि आप एक हफ्ते के लिए जा रहे हो कहीं, फिर आके अपनी मॉम से मिलोगे या अपने टीचर से बोल रहे हो। तो आप डेली जिनसे मिलते हो वहाँ पे हम टेक केयर का यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। यानी कि यू वुडेंट टाइपिकली यूज दिस एक्सप्रेशन विथ समवन यू सी एवरी डे। फिर है इट वॉज नाइस टू सी यू अगेन और इट वॉज नाइस सीइंग यू। अब किसी से आप ग्रीट कर रहे हो और ग्रीट करते हुए आप बोलते हो इट्स नाइस टू मीट यू, तो जब उसी पर्सन से आप विदा लेते हो तो आपको बोलना होगा इट वॉज नाइस टू सी यू अगेन या फिर इट वॉज नाइस सीइंग यू। उसके बाद आते हैं 13 नंबर में गुड नाइट। अब ये एक बहुत सी फॉर्मल सा वे है, सभी लोग बोल देते हैं गुड बाय के लिए गुड नाइट बोलते हैं। मैं आपको बता दूं, जो आपके गुड मॉर्निंग और गुड आफ्टरनून ये दो वर्ड और गुड इवनिंग है, ये सारे ग्रीटिंग एक्सप्रेशंस हैं। ग्रीटिंग एक्सप्रेशंस का मतलब होता है जब आप किसी से मिलते हो तब बोले जाते हैं, लेकिन जो गुड नाइट है ये एक गुड बाय एक्सप्रेशन है यानी विदा लेने के लिए। 14 नंबर पे आते हैं, इससे पहले ये स्लैंग वेज हैं। स्लैंग वेज का मतलब मैं आपको बता दूं, स्लैंग वेज का मतलब होता है गलत यानी कि रॉन्ग परंतु प्रचलित यानी ट्रेंड में, ऐसे तरीके इनको बोलते हैं स्लैंग वेज, जो कि नॉर्मल से प्रचलन में है लेकिन इनका यूज़ ग्रामेटिकली गलत माना जाता है। जिसमें 14 नंबर पे है लेटर या फिर लेटर्स या फिर कैच यू लेटर, ये एक स्लैंग वेज है जिसका मतलब होता है सी यू लेटर। ये कॉमनली टीनेजर्स के बीच में बोला जाता है, बहुत सा कैजुअल है, लेकिन उनके बीच में बोला जाता है जिन पर्सन आप एक दूसरे में आपस में नहीं जानते हैं। फिर उसके बाद है पीस और पीस आउट। पीस और पीस आउट ये भी एक स्लैंग ही वर्ड है और ये 1990s की सेंचुरी के अकॉर्डिंग बोला जाता था, तो शायद ही आपने इसका यूज़ सुना हो पीस और पीस आउट, क्योंकि पहले यूज़ होता था और ये अब आउटडेटेड हो गया है, ट्रेंड में नहीं है। तो आपको भी इसका यूज़ ज़्यादा करना नहीं है, लेकिन अगर कोई करता है तो आप समझ जाइएगा इसका मतलब क्या है। फिर 16 नंबर पे है आई एम आउट और फिर आई एम आउट ऑफ हेयर। ये भी एक कैजुअल वे है और लोगों को ये एहसास दिलाने के लिए किया जाता है कि अब आप हाँ जाने वाले हो, विच शुड ओनली बी यूज अमंग फ्रेंड्स। और हाँ, इसका यूज़ केवल दोस्तों के बीच में आपको करना है। इस एक्सप्रेशन के लिए इट साउंड लाइक यू आर हैप्पी टू बी लिविंग, मतलब इसका यूज़ आप तब करोगे जब आप कहीं आपको जाना है और आप खुश हो कि आप उन लोगों से विदा ले रहे हो, तो इस सेंस में हम यूज़ करते हैं आई एम आउट या फिर आई एम आउट ऑफ हेयर। और इसके बाद लास्ट है आई गोट अ जेट, आई गोट अ टेक ऑफ या आई गोट अ हिट द रोड और आई गोट अ हेड आउट। अब यहाँ एक्सप्रेशन से ही लग रहा है कितने अजीबोगरीब हैं। आई गोटा हिट द रोड, कोई रोड को हिट करता है। आई गोटा हेड आउट, आई गोटा जेट, मतलब स्लैंग वेज। तो ये भी टोटली एक स्लैंग वेज है जिसका मतलब होता है गोटा, जहाँ यहाँ पे गोटा यूज हो रहा है, ये गोटा एक्चुअली में गॉट प्लस टू, इसका एक एब्रीविएशन है, तो गेट गॉट टू को बोलते हैं गोटा, ठीक है। तो ये नॉर्मल से फ्रेंड्स के बीच में चलता है, यू हैव हैड अ नाइस टाइम, मतलब आपने उनके साथ एक अच्छा समय गुजारा, अब आपको जाना है, बहुत जल्द है आपको, बहुत जल्दी है, तो आप इसका यूज़ कर सकते हो। तो आई होप आज आपने बाय के प्रॉपर यूज़ सीख लिए होंगे। तो इसी के साथ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और थैंक्स फॉर वॉचिंग।